आज मैं 40 ऐसे सेंटेंसेस लाया हूं जो वास्तव में आपको अंग्रेजी सिखा देंगे, अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे, अंग्रेजी लिखना सिखा देंगे और अनुवाद यानी ट्रांसलेशन सिखा देंगे। जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो भी इन सेंटेंसेस से बहुत लाभान्वित होने जा रहे हैं। देखिए पहला ही सेंटेंस, ये दोनों ही सेंटेंस कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के द्वारा बोले जाते थे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक योर टाइम, अपना समय लें, जितना आपको उचित समय लगे वो लें आंसर देने में। स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो, सच सच बोलो, सच सच बता दो, सच सच बोलो, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ट्रुथ के साथ स्पीक शब्द का प्रयोग होता है और टेल के साथ जो लाई शब्द है झूठ बोलना वो टेल के साथ होता है। इतना ध्यान रखें, ये गलती कभी ना करें। 5 years इज ए लॉन्ग टाइम, पहले तो इसका यह अर्थ समझ लें। सच सच बोलो, झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई, LIE, लाई माने झूठ। 5 years इज ए लॉन्ग टाइम, 5 साल बड़ा लंबा समय होता है, ये इसका अर्थ है। 5 years इज ए लॉन्ग टाइम, 5 साल बड़ा लंबा समय होता है। 10 years इज ए लॉन्ग टाइम, 6 years इज ए लॉन्ग टाइम, 20 years इज ए लॉन्ग टाइम, कितना भी समय ले सकते हैं। 5 months, 5 months इज ए लॉन्ग टाइम, इस तरीके से। दैट मैन एनॉयज मी, वह आदमी मुझे चिढ़ाता है, इसका मतलब होता है मुझे उससे चिढ़ आती है, उस आदमी से मुझे चिढ़ आती है। दैट मैन एनॉयज मी, एनॉय माने चिढ़ाना। दैट मैन एनॉयज मी, मुझे उससे चिढ़ाती है या वो आदमी मुझे चिढ़ाता है। दिस और दैट इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा है। कोई खाना देता है या कोई चीज देता है, कोई प्रसाद ही ज्यादा दे देता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। दिस और दैट, ये या वो, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इज टू मच, बहुत अधिक के लिए, अत्यधिक के लिए हम टू मच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। TOO, टू मच, बहुत ज्यादा है। दैट और दिस इज माई फॉल्ट, वह मेरी गलती है, यह मेरी गलती है। फॉल्ट माने गलती, मिस्टेक, मिस्टेक भी गलती है। ब्लंडर में थोड़ा सा अंतर होता है, ब्लंडर बड़ी गलती को कहते हैं। तो फॉल्ट माने, मिस्टेक माने, ब्लंडर माने एक ही है, लेकिन ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी गलती। दिस इज ए गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपने सेंटेंस सुना होगा टीवी में कि यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, कुछ नेता कहते हैं आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। तो आई वाज, दिस इज ए गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वाज वाइड अवेक देन, उस समय मैं पूरी तरह जगा हुआ था, जब तुम समझ रहे हो ना मैं चादर ओढ़ के सो रहा, मैं पूरी तरह जगा हुआ था उस समय, सब बातें सुन रहा था। आई वाज ऑल इयर्स देन, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। आई वॉज वाइड अवेक देन, उस समय पूरी तरह जगा हुआ था। द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स, पल्स कहते हैं नब्ज को। देखिए नब्ज कहां होती है, मैं बताता हूं। देखिए दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे कलाई में नब्ज होती है, और यदि आप थोड़ा सा कस के पकड़ेंगे तो आपको अंगूठे से, अंगूठे के द्वारा ये पल्स देखी जा सकती है। नब्ज कहते हैं इसको, दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे कलाई में होती है पल्स, नब्ज। द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स, डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी। तो नब्ज देखते नहीं है बल्कि महसूस की जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स, डॉक्टर ने मेरी नब्ज चेक की। द फूड इज गेटिंग कोल्ड, खाना ठंडा हो रहा है, इसकी अंग्रेजी होगी द फूड इज गेटिंग कोल्ड। द एनिमी विल नॉट गेट क्लोज, दुश्मन पास भी नहीं आएगा, दुश्मन पास भी नहीं आएगा आपके। द एनिमी विल नॉट गेट क्लोज,
पास नहीं आएगा. द फूड इज गेटिंग कोल्ड, खाना ठंडा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है. फूड की जगह टी कह सकते हैं, टी की जगह मिल्क कह सकते हैं, या कुछ भी खाद्य पदार्थ के लिए कह सकते हैं. द फूड इज गेटिंग कोल्ड, ठंडा हो रहा. शी लेफ्ट द गेट ओपन, उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया. उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया. शी लेफ्ट द गेट ओपन. द पावर वेंट आउट, लाइट चली गई है. लाइट चली गई है. द पावर वेंट आउट, ये इसकी अंग्रेजी होती है. द शर्ट फील्स वेट, वेट माने गीला. शर्ट गीली लगती है. कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी तरह सूखती नहीं कोई चीज, बरसात में स्पेशली. अरे ये तो कमीज गीली सी लग रही है, ये कहते हैं. द शर्ट फील्स वेट, वेट माने गीली, और फील्स माने लगती है. द स्कूल इज नियर बाय, द स्कूल इज नियर बाय. नियर बाय माने पास में, स्कूल पास में है. द कॉलेज इज नियर बाय, टेम्पल इज नियर बाय, रेलवे स्टेशन इज नियर बाय, स्टेशन इज नियर बाय, किसी चीज के लिए कह सकते हैं. द स्कूल इज नियर बाय, स्कूल पास में है. देयर इज नो टीवी इन माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में, सोने के कमरे में टीवी नहीं है. देयर इज नो टीवी इन माई रूम, बेडरूम. और यदि हमें ये कहना कि टीवी है तो नो हटा देंगे. देयर इज टीवी इन माई बेडरूम, इस तरीके से कह देंगे, मेरे कमरे में, बेडरूम में टीवी है. दे कंटिन्यूड रीडिंग, उन्होंने पढ़ना जारी रखा. उन्होंने पढ़ना जारी रखा, इसकी जगह हम कैप्ट ऑन भी लिख सकते हैं. कंटिन्यूड जारी रखा, कैप्ट ऑन जारी रखा. रीडिंग इसके बाद आती है. जेरन अर्थात आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग. जेरन में क्या लग होता है, आई एन जी का प्रयोग होता है. इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग होता है, तो आई एन जी बाद में लगता है, टू पहले लगता है क्रिया से. क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है. ही लाइड अबाउट मी, उसने मुझसे झूठ बोला. उसने मुझसे, मेरे बारे में, मुझसे नहीं, मेरे बारे में झूठ बोला. अबाउट शब्द का प्रयोग है. अगर हमें बोलना है ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला, तो टू लगेगा. ही लाइड अबाउट मी, उसने मेरे बारे में झूठ बोला. दे वर स्टैंडिंग फेस टू फेस, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं तो आमने सामने खड़े हैं. अगर इधर एक, एक इधर है, दोनों का मुंह समझ लें, ये तो फेस टू फेस है. ये दे वर स्टैंडिंग फेस टू फेस, वे आमने सामने खड़े थे. अब देखें 21वां सेंटेंस, 20 सेंटेंस हो चुके हैं, कितने काम के हैं आप खुद समझ सकते हैं. टाइम गोज बाय क्विकली, समय पंख लगा के उड़ जाता है. समय पंख लगा के उड़ जाता है, फर फर करके उड़ जाता है, पता ही लगता है समय कि कब उड़ गया. टाइम गोज बाय क्विकली, और स्पेशली कब, जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, तब तो बिल्कुल ही पता ही लगता कि समय किधर को गया, घंटों का पता ही लगता. आई कुड नॉट हेल्प बट क्राई, मैं अपने रोने को, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया. आई कुड नॉट हेल्प बट क्राई, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया. टर्न लेफ्ट और राइट, या तो बाएं मुड़ो तो या तो दाएं मुड़ो. लेफ्ट माने बायां और राइट माने दायां, तो दाएं तरफ मुड़ो या बाएं तरफ मुड़ो. टर्न लेफ्ट और राइट, जिधर भी किसी को कहना है आपको, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, टर्न लेफ्ट और राइट. टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ये बहुत ही जरूरी शब्द है दोनों, घर के लिए भी. टर्न ऑन द टीवी, टीवी चला दो. टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो. लेकिन इसमें ओ एफ वाला ऑफ नहीं है, ओ डबल एफ वाला ऑफ आएगा. टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी, टीवी चला दो, टीवी बंद कर दो. आई एडॉप्टेड, आई एडॉप्टेड एन ऑर्फन. एडॉप्ट माने गोद लेना,
आई एडॉप्टेड एन ऑर्फन, मैंने एक अनाथ को गोद लिया, अनाथ ऑर्फन, ऑर्फनेज उसको कहते हैं अनाथालय को, यदि इसमें ए जी ई और लग जाए तो ये ऑर्फनेज यानी अनाथालय हो जाएगा। ऑर्फन माने अनाथ, जिसका कोई ना हो। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। किसी को देख के कह सकते हैं आप, रास्ते में कोई मिलता है, घर पे आता है, देयर इज नन इन साइट, मेरी दृष्टि में कोई नहीं है, अर्थात मेरे आसपास कोई नहीं है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, देयर इज नन इन साइट या इन माई साइट, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, आसपास कोई नहीं, नो बडी इज अराउंड, आसपास कोई नहीं है, नो बडी इज अराउंड, इसकी इन दोनों की हिंदी एक ही है। 28वां सेंटेंस देखें, नॉट द लीस्ट, जरा भी नहीं, इतना सा भी नहीं, अब मैं जरा भी नहीं ले सकता भैया खाना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, और इसके अलावा नॉट द लीस्ट, जरा भी नहीं, नाउ स्टॉप क्राइंग, अरे अब तो रोना बंद करो, अब तो रोना बंद करो, नाउ माने अब, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, माई ईयर इज स्वेलन अप, मेरा कान सूज गया है, ईयर इज स्वेलन अप, मेरा कान सूज गया है, इस तरीके से मेरी आंख सूज गई है, माई आई इज स्वेलन अप, मेरी आंख सूज गई है, तो सूजने के अंग्रेजी स्वेलन अप है, एस डब्ल्यू ओ डबल ई ई एन डबल एल ई एन, एस डब्ल्यू ओ डबल एल ई एन और यूपी, अर्थात स्वेलन अप, माई स्टोमक इज ग्राउनिंग, मेरा पेट में गुड़गुड़ हो रही, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही। देखिए स्टोमक और बैली का अंतर समझे, बी ई डबल एल वाई, बैली माने बाहर का दिखने वाला पेट, और एक हमारे जिसमें खाना हजम होता है वो पेट अंदर होता है, उसको कहते हैं स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच, स्टमक, स्टमक माने अंदर वाला पेट, बैली माने बी ई डबल एल वाई, बैली माने बाहर वाला पेट, माई स्टमक इज ग्राउंडिंग, अर्थात मेरे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही, बबलिंग साउंड भी कह सकते हैं इसको, बबलिंग साउंड, गुड़गुड़ गुड़गुड़, ओ माई गॉड, हे मेरे भगवान, हे मेरे राम, ये वॉच योर लैंग्वेज, जबान को संभाल लो, जबान को लगाम दो, होल्ड योर टंग, जबान को लगाम दो, वॉच योर लैंग्वेज, मुंह संभाल के बात करो, हैव यू गॉन क्रेजी, पागल हो गए क्या, हैव यू गॉन क्रेजी, पागल हो गए हो क्या, इट इज ए गुड न्यूज, बड़ी खुशी की खबर है, इट इज ए गुड न्यूज, बड़ी खुशी की खबर है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, टू अर इज ह्यूमन, इस सेंटेंस को जरूर देख ले, टू अर ई डबल आर, टू अर माने गलती करना, टू अर इज ह्यूमन का अर्थ होता है इंसान से ही गलती होती है, टू अर इज ह्यूमन, आई रिगार्ड भगत सिंह माई हीरो, मैं भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सब को ही मैं हीरो मानता हूं, आई रिगार्ड भगत सिंह माई हीरो, एज माई हीरो, इसे भी कह सकते हैं, आई रिगार्ड भगत सिंह माई हीरो, मैं भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूं, आई रेस्टेड फॉर ए वाइल, मैंने थोड़ी देर आराम किया, आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दी में था, मैं जल्दी में था, आई वॉज आई रिगार्ड भगत सिंह, आई रिगार्ड चंद्रशेखर आजाद, आई रिगार्ड सुभाष चंद्र बोस, ये सब मेरे हीरो हैं, आई रिगार्ड भगत सिंह माई हीरो, एज माई हीरो, एज लगेगा, एज माई हीरो, मैं भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूं, आई रेस्टेड फॉर ए वाइल, मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया, इसमें रेस्टेड के अलावा टुक रेस्ट ऐसे भी आ सकता है,
मैंने थोड़ी देर आराम किया, फॉर ए वाइल माने थोड़ी देर, रेस्टेड माने आराम किया। आई वाज इन ए हरी, मैं बड़ा जल्दी में था। ओके वी लीव नाउ, एक गाना है अच्छा तो हम चलते हैं, तो ये आखिरी सेंटेंस है 40वां, इसलिए मैंने आखिर में ये रखा है कि अच्छा तो हम चलते हैं, तो इस पर मैं सेंटेंस बना सकूं। ओके वी लीव नाउ, कैसी लगी मेरी ये 40 सेंटेंसेस की, छोटे छोटे सेंटेंसेस की वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।